अस्सलाम वालेकुम, आपके वीडियो adnansis.com से देख रहे हैं। मेरा नाम जुबैरिया अशरफ है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में भी बताया कि विंडोज़ 10 के साथ बहुत सी एप्लीकेशंस जो हैं वो इंस्टॉल हो जाती हैं जैसे ही हम विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करते हैं। तो अब कुछ ऐसी बंडल ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिनको हमने अभी तक नहीं देखा है, जिस उनका थोड़ा सा जिक्र ही किया है। तो अब हम उन एप्लीकेशन को एक एक करके देखेंगे कि हम उनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पिछले वाले ट्यूटोरियल में हमने ये भी देखा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए कुछ एप्लीकेशन से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम मैप की एप्लीकेशन को देखेंगे कि हम मैप की एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं विंडोज 10 में। हम मैप की एप्लीकेशन खोलेंगे। मेरे पास यहाँ पर यह स्टार्ट में पिन है, लेकिन अगर आपके पास स्टार्ट मेन्यू में ये एप्लीकेशन पिन नहीं है तो आप ऑल ऐप्स में जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। इसको ओपन करती हूँ। चूंकि मैं मैप को पहली दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ अपनी विंडो में, लेकिन अगर आप विंडोज़ में मैप को पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने इसको पहली दफ़ा ओपन किया इस एप्लीकेशन को, तो ये आपसे यहाँ पे पूछेगा कि वो क्या आपकी लोकेशन को यूज़ कर सकता है कि नहीं। तो वहाँ पर आप यस कर सकते हैं, तो फिर आपको ये मैप का व्यू नज़र आने लग जाएगा जहाँ पर आपकी लोकेशन होगी। चूँकि इस वक्त मैं जो लाहौर में हूँ, तो सजा से मेरी यहाँ पर लोकेशन जो है वो लाहौर की नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जिनको हम अभी देखते हैं। पहले कुछ इन आइकन्स को देख लेते हैं। ये जो मेरे पास गोल सर्कल में बटन है, आप देखें कि ये यहाँ पर भी बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये मुझे मेरी लोकेशन पर लोकेशन का बता रहा है कि इस वक्त मेरी लैपटॉप की लोकेशन क्या है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बटन भी है जो कि हमें इस मैप को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से देखें, मैं इस मैप को रोटेट कर सकती हूँ, इसको बॉटम भी रोटेट कर सकती हूँ, लेफ्ट और राइट भी रोटेट कर सकती हूँ। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कुछ और मेन्यू भी हैं। ये कुछ ऐसे मेन्यू हैं जो आपके मैप को टिल्ट करते हैं। ये जो ऑप्शन है ये आपके मैप को स्ट्रेट रखता है जिसमें हम अभी हैं, और ये जो है ये आपके मैप को 3D व्यू देता है, और ये आपके मैप को टिल्ट अप कर देता है। ऊपर की तरफ आपका मैप दिखाना शुरू हो जाता है। हम इसमें चले जाते हैं ताकि हमें ये थोड़ा 3D टाइप नजर आए। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास लोकेशन का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसका है कि हमने मैप का व्यू कैसे इस्तेमाल करना है, इसको हम अभी देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक प्लस का बटन है जो हमारा जूम इन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और माइनस का बटन जो है हमारे पास जूम आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखिए, मैं ये जितना इसको जूम आउट करती जाऊंगी उतना ही ये मुझे स्पेसिफिक लोकेशन बताता जाएगा। ये देखें, जितना मैं इसको अब जितना मैं इसको जूम आउट करूंगी ये जो मेरी लोकेशन है उनको डिस्ट्रैक्ट करता जाएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर भी कुछ मेन्यूज हैं। अगर मैं इस बटन को क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये मैप की पिछले वाली जो है वो प्लेस वापस आ जाएगी, यही चीज। उसके अलावा ये एक मेरे पास सर्च का बटन है। इसको यहाँ से सर्च करने के अलावा मैं चाहे यहाँ से भी सर्च कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से कुछ भी सर्च करूँ, जैसे मैं यहाँ से मीनार पाकिस्तान को अगर सर्च करती हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर मीनार पाकिस्तान की जो है वो लोकेशन यहाँ पर मैप उसके ऊपर चला जाएगा, उसकी लोकेशन पर। अब ये मेरा जो मैप है वो मीनार पाकिस्तान लोकेशन पर जा चुका है, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा जूम इन हुआ है, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताए। ठीक है, अब हम अपने मीनार पाकिस्तान वाली लोकेशन पे चलते हैं। इसकी डायरेक्शंस को देख लेते हैं जरा कि इसकी डायरेक्शंस क्या हैं। तो अब ये मुझे मेरी लोकेशन से मीनार पाकिस्तान तक की लोकेशंस को डायरेक्शन को दिखा रहा है कि मैं यहाँ से अगर ट्रैवल करती हूँ तो मैं यहाँ पर भी जो है वो मीनार पाकिस्तान तक पहुँच जाऊँगी। मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक कर दूँ ताकि मैं दोबारा से अपने मैप के व्यू में वापस आ जाऊँ। अपनी लोकेशन पर वापस आने के लिए हम इसको ही क्लिक करेंगे ताकि हम अपनी लोकेशन पर वापस चले जाएँ। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन है ये जो आपको मैप का व्यू चूज करने के ऑप्शन है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पर अभी जो व्यू है वो रोड्स का व्यू है। यहाँ पर अगर मुझे एरियल का व्यू चाहिए जो कि आपको थोड़ा 3D व्यू भी देता है, अगर आप 3D के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर मैं इसको जो है वो क्लिक करती हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि मेरा जो सारा व्यू है वो एरियल व्यू हो जाएगा। आप ये देखें जो कि मोस्ट एक अप्रोप्रिएट व्यू है जिससे आप मैप को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जिसमें आपको हाउस वगैरह सब कुछ नजर आएगा। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम दोबारा से अपनी लोकेशन को सर्च करते हैं मीनार पाकिस्तान को, अब देखते हैं। अब ये मुझे मेरी लोकेशन पर ले गया है जो कि मैंने मीनार पाकिस्तान को सर्च किया था। हम इसको जरा चुके हम इसको जरा 3D व्यू में देख रहे थे, तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं।
तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सा मैप का व्यू नजर आ रहा है जिसको हम देख सकते हैं। अगर हम मैप का दूसरा व्यू चूज करते हैं रोड्स का, तो ये हमें रोड्स वगैरह को बता रहा होगा कि कौन से रोड की कितनी ट्रैफिक है, क्योंकि इसमें जो रेड सिंबल्स हैं ये हैवी ट्रैफिक को शो कर रहे होते हैं, और बाकी सारी जो रोड्स हैं वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पर जो है वो रोड्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो भी हमने डायरेक्शन सर्च की होती है उस डायरेक्शन को हम अपने फेवरेट्स में भी शामिल कर सकते हैं। फेवरेट का कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं, इसको फेवरेट में शामिल करने के लिए मैं ऐड टू फेवरेट करूंगी, और मेरे से ये पूछेगा कि इसका निकनेम क्या है। मैं इसको मीनारे पाकिस्तान ही रहने देती हूँ, इसको हम यही रहने देते हैं, स्पेल करती हूँ, ठीक है, इसको फिलहाल मैं यही रहने देती हूँ। मैं इसको सेव कर लेती हूँ, और अब मुझे जब इसको व्यू करना होगा, ठीक है, इसको मैंने अपने फेवरेट को सेव कर दिया, और मैं यहाँ से जाके अपने फेवरेट्स को देख सकती हूँ, मेरी फेवरेट लोकेशंस जो हैं वो क्या हैं। ना बैक पे चलते हैं। इसके अलावा हम इस लोकेशन को शेयर भी कर सकते हैं, इसके डायरेक्शंस, इसका मैप वगैरह, इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, और इसको ये प्रिंट के ऑप्शन जिसको हम पहले देख चुके हैं हम ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि हमारी इस लोकेशन के नियर बाय जो है वो शॉप्स कौन सी हैं, होटल्स कौन से हैं, कोई पार्किंग की जगह है या कोई बैंक वगैरह है या नहीं। यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि वेयर आर यू एग्जैक्टली, मैप वर्क्स बेटर व्हेन वी नो, ठीक है, तो मैं इसको कह देती हूँ कि ये अभी कैंसिल कर दे, फिलहाल इस लोकेशन को सेव ना करें। इसके अलावा हम जो भी लोकेशन को सर्च करते हैं उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हमें नजर आ रही होती है। इसके अलावा और भी ऑप्शन है यहाँ पर, जो हमारी ये ऑप्शन है कि हमें हमारी डायरेक्शंस दिखा रही होती है, जो कि हम यहाँ से भी अभी पहले देख चुके हैं डायरेक्शंस को। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ये 3D सिटीज की है, इसको हम भी यहाँ पर व्यू नहीं करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि आप मैप की एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी ऑप्शंस को, इसकी तमाम सेटिंग्स को और बाकी तमाम ऑप्शंस को खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। इसके अलावा इस ऑप्शन को भी आप एक्सप्लोर करिएगा, इससे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी मैप की एप्लीकेशन को।